हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे मेथड लेंथ, मैचेस और ऑफसेट बाय कोड पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले बताते हैं लेंथ के बारे में। तो लेंथ जो है किसी भी स्ट्रिंग का जो लेंथ है, कितने उसमें कैरेक्टर्स हैं वो हमको रिटर्न करता है। ओके, तो इससे बार ट्राई करते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल क्रिएट किया हुआ है, डे 11 क्लास क्रिएट किया है। इसमें मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने कहा स्ट्रिंग एस इज़ इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर लिखा राम इज़ अ गुड बॉय। ओके, गुड बॉय। और मैंने यहाँ पर कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर उनका एस डॉट लेंथ। एस डॉट लेंथ मतलब क्या करेगा कि ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ कितना है, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं वो हमको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो टोटल 17 कैरेक्टर हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो 17 होगी। ओके ओके, एरर आया हुआ है, प्रिंट एलन को लेके मेथड है, यहाँ पर एरर प्रिंट एलन। ओके, रन किया तो क्या आया, 17। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसको लेंथ को छोटा कर देता हूँ, मैंने कहा, मैंने इसे रन किया तो यहाँ पर आएगा 3 आया। अगर कुछ नहीं है तो अब क्या आएगा, अब इसका लेंथ 0 है क्योंकि इसमें एक भी कैरेक्टर्स नहीं है। तो ये कहते हैं हम एम्प्टी स्ट्रिंग कहते हैं हम इसे। अगर आप इस पर इज एम्प्टी कॉल करोगे तो यहाँ ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, डन। तो यहाँ पर अगेन मैं वही सेम स्ट्रिंग लिख देता हूँ। और अब ट्राई करते हैं हम दूसरा मैथड। तो दूसरा मैथड क्या कहता है, दूसरा मेथड है मैचेस। मैचेस क्या कहता है, बताएगा आपको जो दूसरा स्ट्रिंग आप पास करोगे वो उस स्ट्रिंग में है कि नहीं ये हमको बताएगा। और आप यहाँ पर केवल स्ट्रिंग नहीं, यहाँ पर आप रेगुलर एक्सप्रेशन पास कर सकते हो। तो रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे काम करता है ये मैं बताऊँगा। तो मैचेस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं जो बूलियन रिटर्न करेगा, इसलिए मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ बूलियन वेरिएबल। मैंने कहा बूलियन बी इज इक्वल टू, मैंने कहा एस डॉट मैचेस, एस डॉट मैचेस। अगर मैं डायरेक्ट स्ट्रिंग पास करता हूँ, मैंने कहा राम, तो क्या जो एस है वो एस डॉट मैचेस राम इसमें मैच करता है इससे। तो एक बार रन करते हैं और देखेंगे कि इसको क्या आउटपुट आता है। ओके, तो रन किया तो यहाँ पर क्या आया हुआ, फॉल्स। फॉल्स तो हमको ये चेक नहीं कर रहे हैं कि राम इस स्ट्रिंग में है कि नहीं, ये चेक कर रहा है कि पूरा स्ट्रिंग राम है या नहीं, ये चेक कर रहा है। ओके, मैचेस का जो मतलब है यहाँ पर आप देखो अब क्या आएगा, अब आएगा ट्रू, क्योंकि वो जो एस स्ट्रिंग है वो मैच करता है राम से। तो आया ट्रू। अगर यहाँ पर मैंने एक स्पेस एंटर कर दिया और फिर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि ये मैच नहीं करता है। डॉक्यूमेंटेशन आप रीड करोगे, टेल्स वेदर और नॉट द स्ट्रिंग मैचेस द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन और नॉट। ओके, तो ये कहता है। तो स्ट्रिंग हम यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे यूज़ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ए ए ए ए ए। ओके, और इसमें मैं रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कितने ए हैं, बहुत सारे ए हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन को एक बार रीड करेंगे तो ये आया पैटर्न्स। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा पैटर्न्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बार बार कोई कैरेक्टर आता है उसके लिए हम कौन सा पैटर्न यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो ये रहा कैरेक्टर। तो यहाँ पर लिखा वंस और नॉट एट ऑल और ज़ीरो और मोर टाइम, वन और मोर टाइम। तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ, वन और मोर टाइम। तो अगर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखता हूँ ए प्लस, तो इसका मतलब क्या है, ए या तो एक बार आना चाहिए या तो एक से ज़्यादा बार आना चाहिए। तो ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये स्ट्रिंग में ए एक से ज़्यादा बार आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा। मैंने ए प्लस लिखा हुआ है, अगर मैंने इसे रन किया तो क्या आया, ट्रू। ओके, तो अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी, मैंने लिखा बी प्लस, तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि वो स्ट्रिंग में ए ही ए है, बी है ही नहीं। तो इसका मतलब है अगर कोई ऐसा स्ट्रिंग जिसमें बी 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 एक से ज़्यादा बार बी आता है तब ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा। अब अगर मैं यहाँ पर ए बी लिख देता हूँ प्लस, तो यहाँ पर मैं बी 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 करता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, रन करते हैं एक बार और देखते हैं क्या रिटर्न करता है। तो इसने हमको ट्रू रिटर्न किया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक बार ए लिखा ए और उसके बाद क्या लिखा बी प्लस, तो मतलब बी बी कितने बार भी बी आ सकता है। तो इसमें ऐसा है एक बार भी आया, एक बार भी। इसको हम कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन के थ्रू हम पता करते हैं कि स्ट्रिंग में स्ट्रिंग इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर करता है तो हमको ट्रू रिटर्न करता है। ओके, तो रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ने के लिए बहुत सारा है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। फाइन, तो ये इंट्रोडक्शन है छोटा इनका मैथड्स का। ओके, कमेंट कर देता हूँ मैं इसे। और तीसरा जो मैथड है वो है ऑफसेट बाय कोड पॉइंट्स, ये हमको इंट रिटर्न करता है। तो देखते हैं ये क्या करता है। इसका पहला जो इंडेक्स है वो है इंटीजर इंडेक्स कोड पॉइंट ऑफसेट्स, ठीक है। तो मैंने कहा एस डॉट कोड पॉइंट ऑफसेट, एस डॉट ऑफसेट कोड पॉइंट्स, और मुझे यहाँ पर एक इंडेक्स पास करना, तो मैंने कहा 0। मुझे एक और यहाँ पर वैल्यू पास करना, कितने ऑफसेट चाहते हैं आप, तो मैंने कहा 2 ऑफसेट चाहता हूँ, और ये हमको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो मैंने कहा इंट ए इज इक्वल टू, ये हमको इंटीजर रिटर्न करेगा। मैंने इसे होल्ड किया और हम इसे प्रिंट करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हमने कहा ए। तो ये क्या करेगा ये एक बार मैं समझाता हूँ आपको। मैंने कहा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ओके, ये कोई स्ट्रिंग है। अब मैंने कहा कि 0 से आपको पहला इंडेक्स क्या है 0, तो ये आ गया 0 पे आ गया ए। मैंने कहा 2 को आप छोड़ दो, 2 को कैसे छोड़ेगा, ए और बी को छोड़ देगा, क्या आया सी। अब सी का इंडेक्स क्या है, सी का इंडेक्स है 2, तो हमको 2 रिटर्न करेगा। रन करते हैं, रन किया तो क्या आया 2 रिटर्न किया, सही है। इसी तरह से अगर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर कहा 5 और यहाँ पर मैंने कहा 6, तो क्या होगा 5th इंडेक्स से चेक करेगा और 6 कैरेक्टर्स को छोड़ देगा, और फिर जो कैरेक्टर आएगा उसका हमें इंडेक्स वो रिटर्न करेगा। तो कैसे देखते हैं 0 1 2 3 4 5, तो ये एफ से काउंट करेगा, एफ को छोड़ेगा, 6 कैरेक्टर छोड़ना है, एफ 1 2 3 4 5 6, तो के तक ये छोड़ देगा। और अब कितना इंडेक्स है इसका, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वही लगभग 11 और 12 हो सकता है, क्योंकि काउंटिंग में मिस्टेक भी हो सकता है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 11 या 12 समथिंग ऐसा आएगा, ओके। तो ये आया हुआ है 11, ओके। तो ये कैसे काम कर रहा है आई होप आप समझ रहे होंगे। तो जो भी इंडेक्स पास करता हूँ उस इंडेक्स से, और जिस जो दूसरा वैल्यू पास करता हूँ उतने वैल्यूज उतने कैरेक्टर को छोड़ देता है, और फिर जो कैरेक्टर हमको मिलता है उसका इंडेक्स हमको रिटर्न करता है, ओके। तो ये थे 3 मेथड्स। फाइन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक। थैंक यू।